पहल जाऊंगी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हरियाणा की छोर यूं दो शब्दों में खेल जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम खुशी दलाल है, मैं आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं कक्षा की छात्रा हूं। आज आप सबके सामने नारी विषय पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए, आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियां, आखिर क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियां, बस आज यही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया, मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, हुआ था शोषण मेरा भी, पर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी और हनुमान जी की भक्त हूँ ये कहने में कतई नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछे एक बार फिर से, मैं खड़े खड़े तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण बुलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और तुम क्या कहते हो, अरे तुम क्या कहते हो कि मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, तुम क्या कहते हो कि मुझे रानी बनाकर ले जाओगे। क्या खाक कहलाऊंगी मैं रानी, क्या खाक कहलाऊंगी मैं रानी, जब मेरा ताज भी मेरे ही मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर बिक जाऊंगी। हर रोज दहेज की आड़ में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप, क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को कि एक दिन ऐसा न्योता आएगा, अरे जवान बेटी के ससुराल वो उसका शव देखने जाएगा। लौटा कुछ दिन बाद उधर तो वही घर फिर सज दज रहा था। आखिर उसका विलायती दामाद 50 लाख में दोबारा जो बिक रहा था, आखिर उसका विलायती दामाद 50 लाख में दोबारा जो बिक रहा था। अजी बताओ ना अंधों की इस अदालत में कानून का खेल भी क्यों किया जा रहा है, जब शरेआम ही घुमाना है हमारे दरिंदों को, जब शरेआम ही घुमाना है हमारे दरिंदों को, तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है, तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है। कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो, मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो। मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आ पाते हो, मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा मैं सहती हूँ और तुम मुझको ही अपवित्र बताते हो। रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से, रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से, और तुम मुझको ही नौटंकी का नाम दे जाते हो, और तुम मुझको ही नौटंकी का नाम दे जाते हो। कि चूल्हे की आग में तपकर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, फिर भी न जाने क्यों इतनी सस्ती हूँ आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। कि मत सनकाओ और मुझे मैं चंड मुंड माला धरनी बन जाऊंगी, तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मर्दिनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हूँ एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्र धर मैं तुमको मौत के साक्षात दर्शन करवाऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रकोप से ये सारा संसार घबराएगा, जब ये हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग विलाप गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मत उलझो मेरे प्रकोप से, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। और ये याद कर लो ये नारी है, और नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुमको फिर से याद दिला दूं कि एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत रचाई थी। ये देश की बेटी आज एक आखिरी बात कहकर जाएगी, वतन बदल जाएगा मेरा, जिस दिन हर लड़का भगत सिंह और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। धन्यवाद।